तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं बेसिक एक्सेल के बारे में। एडवांस एक्सेल का बेसिक पार्ट है। हम बात करेंगे एक्सेल की सेटिंग्स के बारे में। एक्सेल की सेटिंग को चेंज करने से क्या बेनिफिट होता है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि बैच स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होते में एडवांस चीजें हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो सर के ऊपर से निकल जाएगा, तो थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट भी करानी पड़ती है। तो फाइल मेनू बार में हम बात करेंगे एक्सेल सेटिंग्स के बारे में। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और साथ में रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। अरे आप सिस्टम में ज्वाइन किए हैं ना, रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे दी है, सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूं। अब कुछ लोग जब इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं कि सर एक्सेल की सेटिंग चेंज क्यों करें, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले ही दिन या दूसरे दिन हम सेटिंग के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, सेटिंग चेंज करने का बेनिफिट क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। हम शुरुआत में एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब ये है कि जब भी हम कोई नई डिवाइस लेते हैं, जैसे आपका लैपटॉप लिया, आपने सेलफोन लिया, तो उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसको आप चेंज करके मोबाइल पे ले लीजिए। आप उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर, उसका अलार्म सिस्टम डिफॉल्ट ग्लोबल सेट तो होता है, फिर भी हम उसको अपने वर्क एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। उसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी जो डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं, उन डिफॉल्ट सेटिंग के जगह पे हम अपने हिसाब से सेटिंग को चेंज करते हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा और क्या बेनिफिट है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम एक सिंपल से बात करते हैं सेटिंग का बेनिफिट क्या है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे जैन लिखते हैं, जैन को नीचे के तब ड्रैग करते हैं तो जैन का मार्च आ जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे संडे को लिखा और संडे लिखने के ड्रैग किया था आगे। तो क्या मैं अपने टीम मेंबर का नाम मैं यहाँ पे लिखूं और नीचे के तब ड्रैग करूं तो बाकी टीम मेंबर का नाम आ जाएगा? आप अपने सिस्टम में करेंगे तो सिर्फ पूजा 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 आएगा, बट मेरे सिस्टम पे क्या हुआ कि मेरे टीम मेंबर के नाम आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने एक्सेल सेटिंग के अंदर, मैंने एक्सेल ऑप्शन के अंदर हमने एडवांस में कस्टम लिस्ट तैयार कर रखा है। कस्टम लिस्ट, तो ऐसे लिस्ट आप भी तैयार कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से बेनिफिट हमें आगे चल के भी मिलते हैं, तो इसको हम बाद में ही बताते हैं आपको। चलिए हम शुरू से आपको एक्सेल ऑप्शन समझाते हैं। फाइल मेनू बार के अंदर एक्सेल ऑप्शन, सबसे पहले जनरल पे आते हैं। देखिए, एक्सेल में बहुत सारे सेटिंग है, सारे सेटिंग में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सारे सेटिंग में काफी टाइम लग जाएगा और कुछ सेटिंग जो है नेसेसरी है कि होना ही चाहिए, उसको चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा, तो उनको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने आप इस क्लास में सबसे पहले बताया था कि किसी भी फीचर्स के ऊपर हम कर्सर रखते हैं, उसका स्क्रीन शॉट हमें, उसका शॉर्ट स्क्रीन टिप्स मतलब कि शॉर्ट नोटिस मिल जाता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको दो केसेस में हम इसको डिसेबल करते हैं। पहले, अगर आप किसी से इंटरव्यू में, किसी से टेक्निकल टेस्ट किसी का ले रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इसको पढ़ के इसका अप्लाई कर रहा है, जैसे एक अंदाजा लगा रहा है, हमारे दिल्ली में बोलते इसको तुक्का मारना, ऐसा लग रहा है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे केसेस में जो टेस्टिंग टीम होती है, जो क्यूसी टीम होती है, वो इसकी स्क्रीन शॉट लेती है। जैसे मान लीजिए किसी ने डेटा आपको भेजा और डेटा कहीं पे गलत है, उसको फोन करके समझाओगे कि भाई सी कॉलम के 10 नंबर रो में डेटा आपका गड़बड़ है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। उसको सेलेक्ट करके, हाईलाइट करके, उसकी स्क्रीनशॉट लेके अगर आप भेज देते हैं तो उसको देखने में तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है। ओके सोनम जी, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या?
म्यूट है आपका, आप अनम्यूट करेंगे तो सुन पाऊंगा मैं। तो उस केस में कैसे रिमूव करेंगे, एक्सेल ऑप्शन के अंदर आप जाते हैं तो यहां लिखेगा डोंट स्क्रीन टिप्स, डोंट स्क्रीन टिप्स में कर देंगे डोंट शो स्क्रीन टिप्स तो आपका हट जाए। मैं इसको फिलहाल हटाता नहीं, सेटिंग नहीं चेंज करता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्रॉपरली सुनाई दे रही है। स्लो मतलब धीरे धीरे आ रही है या फिर ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम कम है। तो आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर। क्या बोल रहे हो सर? वॉल्यूम तो आपके तरफ से सही होगा ना, आपका डिवाइस का वॉल्यूम कम है हुआ है सर। यहाँ तो मीटर में सही चल रहा है। मैंने एक बार प्रॉब्लम होती है रीज्वाइन करके, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ाया है मेरा अभी। एक बार रीज्वाइन करके देख लीजिए। नहीं नहीं अभी आ गया प्रॉपर। ठीक है, मैं सामने रख देता हूँ अब। ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। ओ मेरा क्वेश्चन थी, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली जैसे हम लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना, आप एडवांस एक्सेल कैसे यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है क्या आपके पास? मतलब अगर लाइक अच्छा, वो मैंने इस बैच में पहले बता दिया हुआ है, उसकी वीडियोज में आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ऐसे आपको जो है जो वीडियोज में दे दूंगा वो उसके डिस्क्रिप्शन में होगा। एक इंटरव्यू क्लियर क्लियर करके एक इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो की 5 घंटे की है, उसको आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंटरव्यू पूछा जाता है। दूसरी एडवांस एक्सेल फंडामेंटल क्लास की, वो क्लास मैंने इस बैच को दे दिया है, उस बैच की जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उससे देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसी क्लास मोटी मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ हम सेटिंग होता है वेन से क्रिएटिंग द न्यू वर्कबुक। जब भी हम नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं तो जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज है, डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स है, वो जो है वो पहले से डिफाइन होती है। तो जैसे कि मैंने एरियल ले रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग एरियल नहीं लेते, कैलिबरी लेते हैं या कोई और फॉन्ट यूज करते हैं, तो उनको बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। तो आप यहीं से अपना जो फॉन्ट, जो मोस्टली यूज होने वाले फॉन्ट आप यहाँ से सेट कर रहे हैं, तो आपके हर नई फाइल और नई शीट पे डिफॉल्ट आपका यही फॉन्ट होगा। जैसे कि मैं कुछ साल पहले यूपी के एक शिक्षा विभाग, एक सिंचाई बोर्ड में गया था, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जेट है, वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए गया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, उन्होंने बोला सर मुझे हिंदी टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनका कहना है कि सर मुझे हर एक सेल पे अपना फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, और बोलते हैं कि मेरा 90% काम हिंदी में ही होता है, हमारा जो भी टेबल्स वगैरह निकलते हैं, जो भी ब्राउसर्स निकलते हैं, उस सारा का सारा हिंदी में निकलते हैं, हमारा हिंदी में ही मोस्टली काम होता है। तो मुझे बार बार हर एक सेल पे फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। बात सही था, क्योंकि डिफॉल्ट फॉन्ट के जो फॉन्ट आप चेंज करेंगे हिंदी का, तभी हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि आप अपना एप्लीकेशन का सेटिंग चेंज करके डिफॉल्ट हिंदी फॉन्ट रख लीजिए, तो हिंदी में ही टाइप होगा। जब आपको इंग्लिश फॉन्ट चेंज करना होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। ऐसे आपके डिफॉल्ट व्यू, डिफॉल्ट साइज, फॉन्ट साइज, व्यू और या नंबर ऑफ शीट्स, कितने शीट्स फर्स्ट टाइम इंक्लूड होंगे, वो यहाँ आप डाल सकते हैं। सोनम जी मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, आप सुन रहा हूँ। यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं ऑथर नेम। जैसे सोनम जी मैं आपकी कल की क्लास में समझाया था कि जब भी इस पे हम कर्सर रखते हैं तो मुझे इस फाइल का ऑथर नेम दिखता है IPTXL स्कूल। इससे मुझे पता चलता है कि इस फाइल को किसने बनाया है। जैसे कोई फाइल पे आपने काम किया हुआ है और उसके प्रॉपर्टी के ऑथर में अपना नाम डालना चाहते हैं कि ये पता चले कि आखिर फाइल किसने बनाया है, डिफॉल्ट जो ऑथर होता है आपका, आपकी विंडो की लॉगिन आईडी होता है। आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे चेंज कर रखा है IPTXL स्कूल, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस का थीम। अभी जो आप थीम दिख रहे हैं कलरफुल थीम है, मैंने इसको मान लीजिए डार्क ग्रे सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो मेरा ऑफिस का थीम डार्क ग्रे हो जाएगा। मैं एक्सेल ऑप्शन पे आता हूं,
मैं डार्क ग्रे की जगह पे ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैक हो जाता है, व्हाइट करूंगा तो व्हाइट हो जाएगा, या कलरफुल करेंगे तो कलरफुल हो जाएगा। थीम चेंज हो तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर में हम ये चीजें करते हैं। अब फॉर्मूला बार में आते हैं। फॉर्मूला बार में सबसे पहला यहाँ पे देखिए R1 C1 रेफरेंस स्टाइल है, मतलब जो यहाँ ABCD दिख रहा है A1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आप A1 B1 C1 था वो आपका R1 C1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए R1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, जैसे यहाँ पे कर्सर रखूं तो रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 2 है, कार्बन C1 रेफरेंस स्टाइल है। हालांकि इसका यूज हम ऑफसेट फॉर्मूला में कभी कभी प्रॉब्लम होती है वहां पे करते, अदरवाइज इसका कोई खास यूज नहीं। देखिए एक यूज है एनेबल बैकग्राउंड एरर चेक। अभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कि कभी भी कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि गलत है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि हमने नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया, कैसे सिंगल कोट लगा। ये आपको साइड के कॉर्नर में काफी बड़ा करता हूं, मैं जूम करता हूं, साइड में ग्रीन कलर का एक मार्क दे दिया, जब इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक ये आएगा, इंफॉर्मेशन बार आएगा, ये बता रहा है कि दिस नंबर इज द सेल फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट, नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट। इसको कन्वर्ट नंबर करेंगे तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ इग्नोर एरर करते हैं तो इग्नोर एरर हो जाएगा। बट इग्नोर एरर सिर्फ इस सेल के लिए होगा, किसी अनदर सेल में आप टाइप करते हैं तो अगेन एरर देगा। आप चाहते हैं इस तरह से एरर आए ही ना, मुझे इस तरह के एरर दिखे ही नहीं, तो एक्सेल ऑप्शन में आए, फॉर्मूला बार में जाए और यहां अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को डिसेबल कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिसेबल कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर फाइल या सीट के लिए नहीं हो रहा है। एक्सेल के एप्लीकेशन में जो भी सेटिंग आप चेंज करते हैं वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन के लिए सेटिंग चेंज हो रही है। हर एक फाइल, चाहे वो नई फाइल हो या पुरानी फाइल हो, सब फाइल पे इंप्लीमेंट होगा, ये आपके सिस्टम में होगा। जैसे आपने यहाँ पे एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग अनचेक करके ओके कर दिया, कभी आपको एरर नहीं दिख रहा है, तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे पीसी पे नहीं दिख रहा है। अगर मैंने आपके पीसी पे मेल किया तो आपके पीसी पे दिखेगा, क्योंकि ये फाइल जो जाएगा सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, मेरी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाएगा। बट यहाँ पे जो मैंने इग्नोर एरर किया है ये आपको किसी भी फाइल किसी भी पीसी पे जाएगा तो इग्नोर ही रहेगा, क्योंकि इग्नोर होने वाले जो प्रोसीजर है इस पर्टिकुलर फाइल में सेव हो गई है, एप्लीकेशन की सेटिंग नहीं है वो, कभी वो पर्टिकुलर एक फाइल एक रेंज की सेटिंग। तो फॉर्मूला मेनू बार में इसका यूज करते हैं। उसके अलावा डेटा में कोई खास नहीं है। प्रूफिंग, प्रूफिंग में हम ऑटो करेक्ट बना सकते हैं। ऑटो करेक्ट कभी कभी क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे वर्ड या सेंटेंस टाइप करते हैं जो बार बार हमें करना होता है, बार बार, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने बना रखा है कि मैं एक्सेल सेल पे DS लिखूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट में आ जाएगा, मुझे डेली सेल्स रिपोर्ट कई जगह पे टाइप करना पड़ता है, तो मैंने इसके लिए शॉर्टकट बना रखा है। अब मैं एक्सेल शीट पे जाऊंगा, कैप्स में DS लिखूंगा, स्पेस मारूंगा, स्पेस मारते ही वो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की शॉर्टकट्स आप तैयार कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ड या साइंटिफिक ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग आप मेरी तरह भूल जाते हैं उसके लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अपना शॉर्टकट लिखे और यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म लिखे, किससे रिप्लेस होगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन केस सेंसिटिव होता है, डीएस कैप्स में है तो कैप्स में चेंज होगा, अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा तो चेंज नहीं होगा। एक होता है ऑटो फॉर्मेट एज ए टाइप, इंटरनेट नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपको डेटाबेस बनाया हो, डेटाबेस में अगर आप ईमेल आईडी लिखते हो kumar@iptindia.com, कोई भी ईमेल आईडी लिख के एंटर मारते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा और उसके ऊपर हाइपरलिंक लग जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेटाबेस बना रहे हैं, बहुत सारे ईमेल आईडी लिख दिया, मुझे इस ईमेल आईडी को चेंज करना है तो चेंज करने के जगह पे क्लिक हो जाएगा क्योंकि हाइपरलिंक लग गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट या सिलेक्ट करके होम में यहाँ क्लियर होता है, इसमें आपको
रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ेगा, फिर नीचे टाइप करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई नेटवर्क पार्ट या ईमेल आईडी लिखूं तो मेरा हाइपरलिंक ना लगे उसमें। तो उसका ही सेटिंग आप एक्सेल ऑप्शन के प्रूफिंग में चेंज कर सकते हो। ऑटो करेक्ट में जाइए या ऑटो फॉर्मेट टाइप, इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने के बाद अब जब भी कोई नेटवर्क पास या ईमेल आईडी लिखेंगे उससे हाइपरलिंक अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सेव पे आते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था, जब भी कोई फाइल को सेव या सेव एज आप करते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट उसका फाइल फॉर्मेट होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। बट मैंने ये भी समझाया था आपको कि जब एक्सेल वर्कबुक में किसी फाइल को आप सेव करते हैं, एक्सेल वर्कबुक में किसी फाइल को अगर आप सेव करते हैं, अगर उस फाइल के अंदर किसी भी तरह का कोडिंग हुआ, मैक्रो हुआ, तो वो आपका हट जाता है। अब मेरी ले लीजिए, मेरी हर दूसरी फाइल में मैक्रो होता है। तो मैंने ये भी बोला था कि मैक्रो वाली फाइल को हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना है। और साथ में भी बताया था कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में हमारा नॉर्मल डेटा स्टोर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फाइल एक्सटेंशन चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। मतलब कि माइक्रो अनेबल फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है .xlsm, इसमें आप माइक्रो भी स्टोर कर सकते हैं और नॉर्मल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मैं फाइल सेव करता हूं तो मुझे यहां सेलेक्ट करने पड़ते हैं। यहां पे अगर मैंने 2-2.5 घंटा लगा के कोई माइक्रो लिखा और मैं गलती से सेव करते समय मैंने माइक्रो अनेबल वर्कबुक को चेंज नहीं किया, मतलब कि एक्सेल वर्कबुक ही रहने दिया, तो मेरी 2 घंटे की मेहनत पानी में चली जाएगी, सारे माइक्रो सारे को डिलीट हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो मैंने सेटिंग में जाके चेंज कर रखी है एक्सेल ऑप्शन में कि मेरा डिफॉल्ट फाइल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, मतलब जब भी मैं सेव एज करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारा माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही आएगा। दूसरा, सेव लोकेशन। आपका जब भी सेव करते हैं तो डिफॉल्ट लोकेशन आपका डॉक्यूमेंट आता है, और जनरली पीपल जो है वो डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव नहीं करते हैं, फाइल को सेव करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, जैसे कि डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ड्राइव पे सेव करते हैं, तो हर बार उनको चेंज करना पड़ता है। तो आप एक्सेल सेटिंग में जाके डिफॉल्ट फाइल टाइप और अपना डिफॉल्ट फाइल लोकेशन जो है आप यहां सेट कर सकते हैं। यहां पे डी ड्राइव, सी ड्राइव का पास डाल दीजिए, वो हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑटो रिकवर। ओके, तो पाटिल जी, आप जानते हैं कि ऑटो रिकवर क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। क्या मैं सुन नहीं पाया पाटिल जी आपको? हेलो, नहीं नहीं सर, नहीं पता मुझे ऐसा के बारे में। ओके, ऑटो रिकवर क्या होता है? जैसे कि आप फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हर 10 मिनट में आपके फाइल का बैकअप, जो भी ओपन रनिंग फाइल है, एक्सेल की जो रनिंग फाइल है, उसका बैकअप लेके एक लोकेशन में डाल देता है। वो बैकअप कब मिलता है? जब आपने अपने फाइल को, आपका फाइल सिस्टम के गलती कारण बंद होता है, जैसे कि हैंग होके बंद हो गया, अचानक लैपटॉप शटडाउन हो गया, पीसी शटडाउन हो गया, पावर चले गई, वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम है, अपने आप बंद हो गया। तो उस केस में जैसे फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रिकवर्ड फाइल मिल जाएगी, मतलब कि 10 मिनट तक का डेटा लॉस होगा, उससे पहले की डेटा सारा आपको मिलने के चांसेस है। अभी जो 10 मिनट है आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्रिटिकल फाइल पे वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका फाइल काफी बड़ा है और हैंग होने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अपना सेविंग लोकेशन तो अपने जगह पे डाल सकते हैं। जो ऑटो रिकवर की जो फाइल है, मतलब कि जो बैकअप वाली फाइल है, वो इस लोकेशन में रखता है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कब मिलता है? जब सिस्टम में गलती के कारण बंद होता है तभी मिलता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पे आते हैं। लैंग्वेज की खास नहीं है, इजी एक्सेसिव कुछ खास नहीं है। एडवांस, एडवांस में थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि आफ्टर प्रेस में एंटर। जैसे एक्सेल में आप जब एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका डाउन आता है, इसकी सेटिंग को चेंज करके आप
लेफ्ट टू राइट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप कोई 100 टाइप करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ कर सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले देखा था पूजा लिख के ड्रैग कर दिया था, या ड्रैगिंग फैसिलिटी को डिसेबल करना, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल स्कोर बार, अगर यहाँ पे बुक टू है, पर्टिकुलर बुक के लिए वर्क कर रहा है, मैंने यहाँ पे अगर इसको अनचेक कर दिया तो जो स्क्रॉल बार आपका दिख रहा है ना, ये डिसेबल हो जाएगा। इसको क्लिक कर दिया वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो नीचे वाला जो स्क्रॉल बार आता है वो डिसेबल हो जाएगा। सीट टाइप पे किया, जो सीट के नाम दिखते हैं वो आपका डिसेबल हो जाएगा, वो आपका नहीं दिखेगा। यहाँ पे कॉलम, ये जो एबीसीडी दिख रहा है, 1, 2, 3 दिख रहा है, वो डिसेबल हो जाएगा, ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा। ये सेटिंग है। अब बात करते हैं कस्टम लिस्ट। जैसे मैंने समझाया कि बाय डिफॉल्ट जनवरी फरवरी संडे मंडे का लिस्ट तो होता है, बट आपके खुद के लिस्ट बनाने, कैसे बनाएंगे? एक्सेल ऑप्शन के एडवांस में हम आते हैं, एडिट कस्टम लिस्ट पे आते हैं। यहां पे न्यू लिस्ट पे है आपका, इस पे जाइए, बना सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट का लिस्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट लिस्ट मेरे को TFT उल्टा कर दिया, TFT DVD CD RAM CRT मदरबोर्ड यहाँ पे HD और इसको ऐड कर दिया। आप बोलेंगे सर टाइप करने में दिक्कत होता है, तो न्यू लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके अगर आपको कहीं पे टाइप है उसको सिलेक्ट करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे मान ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया DVD और सिलेक्ट किया, नीचे ड्रैग किया, मेरे सारे प्रोडक्ट लिस्ट आ गए। तो आपके पास जो क्लाइंट लिस्ट है, आपके कस्टमर लिस्ट है, आपके जो प्रोडक्ट लिस्ट है और भी जितने भी लिस्ट है, ऐसे लिस्ट उसको बार बार आपको कॉपी करना पड़ता है, बार बार आपको पेस्ट करना पड़ता है। ऐसे लिस्ट का आप एक्सेल ऑप्शन के एडवांस में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आता है, ये जो आपके मेनू बार है, इंसर्ट, होम इंसर्ट, जो पेज लॉट वगैरह, इसको आप मैनेज करने के लिए दिया गया है कि कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसे मेनू बार को नहीं रखना है तो अनचेक कर दीजिए, लिस्ट आपका हट जाएगा। जैसे मेरे सिस्टम में डेवलपर टैब है, आप देखेंगे आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है, आप लाना चाहते हैं क्लिक करें, पावर पॉइंट लाना चाहते हैं क्लिक करें, आपके यहाँ पे आ जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसे कमांड है, जैसे कमांड नॉट इन द रिबन, बहुत सारे कमांड है जो कि ऊपर रिबन बार में है ही नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सिस्टम में लॉन्च और फॉर्म का दो टैब होम मेनू बार में, वो तो मैंने मैनुअली ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए। आप ऐड करते समय इस तरह के एरर दे तो आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करें, उसके बाद फिर ऐड करें, तो ये अपने मेनू बार में इसको ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की हम बात करें तो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं सेव है, ऑनडो है, रीडो है और ये जो चीज दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो चार ऑप्शन है तो इसको आप ला सकते हैं, इस पर नया ऑप्शन आप यहाँ हटा सकते हैं, जो क्विक एक्शन होता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे जो बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए मुझे होम मेनू बार के अंदर ऑल बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। इसको मैंने ऊपर डाल रखा है क्विक एक्सेस टूल बार में, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो वन टाइम में हो जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट भी बन जाता है, अल्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे 5 आ गया, तो अल्ट 5 इसका शॉर्टकट हो गया। तो ऐसे जो मोस्ट यूजेड 4-5 कमांड है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसको ऊपर रख देंगे तो उसका शॉर्टकट नंबर के हिसाब से हो जाएगा। ये थी हमारी छोटी मोटी एक्सेल ऑप्शन की सेटिंग के बारे में। तो जो सेटिंग जितना जरूरतफुल था वो मैंने बताया, इसके अलावा आप अपनी तरफ से स्टडी कीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं मुझे बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। अब हम बात करते हैं पटेल जी के सवाल के ऊपर। पटेल जी, आपने क्लास से स्टार्ट होते समय आपने क्वेश्चन पूछा था कि एडवांस एक्सेल का यूज हम ऑफिस में करते क्या है। देखिए सिंपल से समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर मैं सिंपल बात समझाऊं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है जैसे डिजिटल रजिस्टर। अगर आप 20-25 साल पीछे आते हैं जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, सारे कंपनी मैनुअल वर्क करते थे, तो हर डिपार्टमेंट में जितने भी पर्सन काम करते थे
क्लर्क लेवल का, वो क्या उनके पास क्या था, एक रजिस्टर हुआ करता था, जो भी अपना काम का हिसाब किताब और काम की चीजें होती थी वो रजिस्टर में एंटर करते थे। तो वही एक तरह से डिजिटल रजिस्टर आपका है। फिर भी अगर आप इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एडवांस एक्सेल से क्या करते हैं, तो सिंपल सा जवाब देते हैं, वी कैन यूज द एडवांस एक्सेल फॉर डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट एंड डेटा। तो एक्सेल जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए काम करता है, बट ये डेटाबेस नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस का डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है मिसलेनियस डेटा, जैसे कि अकाउंट टीम है, पेरोल टीम है, तो फिर अटेंडेंस वगैरह, पर्टिकुलर रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे डालती है, स्टोर रखती, होल्ड करती है टेम्पररी, क्योंकि अकाउंट टीम है वो टैली यूज करती है, टैक्सी को यूज करती है, पूरा लेजर मेंटेन उसी में करती है, लेकिन छोटे मोटे जो हिसाब किताब होते हैं उसके लिए लेजर नहीं क्रिएट किया जा सकते, वो एक्सेल पे होल्ड करते हैं। पेरोल टीम मान लीजिए तो आपका सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करती है, बट अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए एक्सेल इस्तेमाल करती है। उसके बाद एसएमई जो है, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, हम जैसे छोटे लोग हैं उनके पास डेटा 5-10 हज़ार का ही होता है, तो वो लोग जो बड़े सॉफ्टवेयर ना यूज करके एक्सेल पे ही डेटाबेस को डेटाबेस रखते हैं, बट डेटाबेस नहीं है। क्यों? डेटाबेस से बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि ये इजिली आपका इसका पासवर्ड ब्रेक हो जाता है, फाइल में ज्यादा डेटा डालने पे हैंग होने लगता है, करप्ट होने के चांसेस है, कोई इजिली डिलीट कर सकता है वगैरह वगैरह, इसको डेटाबेस नहीं कहा जा सकता। बट आप एसएमई डेटा, एनालिटिक्स डेटा, एनालिटिक्स डेटा मान लीजिए कि आपको किसी रिपोर्ट के ऊपर किसी तरह का एनालिसिस करना है, समरी निकालना है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आपने डेटा डाउनलोड किया एक्सेल पर रखा और फिर आपने इसकी रिपोर्ट बना ली, तो वो एनालिटिक्स डेटा होता है, वो हम रखते हैं एक्सेल पे। फिर दूसरा आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है। आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आप कैपिटल कैलकुलेट करना है, आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है, हर तरह की कैलकुलेशन एक्सेल में बड़ी इजी तरीके से होती है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन साथ में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला बार में 300 से 500 फॉर्मूले हैं जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है डेटा एनालिसिस, मतलब कि किसी तरह का रिपोर्ट बनानी है, किसी तरह का डेटा एनालिसिस करना है, उसके लिए एक्सेल बहुत ही अच्छा टूल है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, छोटा सा छोटी मोटी फॉर्मूले से बनाया गया एक सैलरी कंपेयरिंग रिपोर्ट, तो इसको इजिली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑटोमेट भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। जैसे अभी ये रिपोर्ट बना हुआ है, वो बना हुआ है मान लीजिए सेल्स टीम की और आरएनडी टीम की, मुझे मान लीजिए आईटी टीम का चाहिए, मैं आईटी पे क्लिक करूंगा, मेरा रिपोर्ट आईटी में बस क्लिक करते ही मेरा पूरा रिपोर्ट आईटी का होगा। यहाँ मैंने क्लिक किया मार्केटिंग का, तो देखिए सारा रिपोर्ट मार्केटिंग का होगा। इस तरह के डायनेमिक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सर आपको? पटेल जी आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट करें तो मैं सुन पाऊंगा आपको। हाँ समझ में आ गया, पर आपने ये बनाया है क्या, कैसे? तो सर कैसे बनाया है इसके लिए, तो सर आपकी जब क्लासेस चलेगी तो बताएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज इस्तेमाल किया गया है ना, वो तो अलग चीज है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है जो बनाया जाता है। जब आप एक्सेल की नॉलेज आपकी होगी, पहले आपको मुझे एक्सेल की नॉलेज देना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे बनती है, और कुछ सैंपल आपको देना पड़ेगा, आप खुद बना के देखेंगे, तो उससे पहले तो आपको एक्सेल की नॉलेज देना पड़ेगा ना सर। ओके ओके सर, ठीक है। तो फाइल मेनू बार मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, बेसिक था। सोनम जी अगली क्लास हम बात करेंगे होम मेनू बार से, तो होम मेनू बार में हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड का, कि कॉपी पेस्ट, पेज स्पेशल, एडवांस पेज स्पेशल, क्लिप बोर्ड, सबका क्या यूज है, हम कल की क्लास को सीखेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। ओके सर, बाय।